और इस पर से उतारा हुआ जो नारियल है, जो माँ पर चढ़ाया गया है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो प्रत्येक अमावस्या को निशा पूजा के रूप में हमन के कुंड में हमन उसके द्वारा कराया जाता है। और बिहार का ये पहला मंदिर है, इसी तरह का एक मंदिर गया में है, बेलागंज में स्टेशन के पास, वह भी मेरे द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह मंदिर तंत्र विज्ञान पद्धति पर निर्मित है। गुरु परंपरा के अंतर्गत जो त्रिशूल की प्रतिष्ठा है और जो अपने गुरु के द्वारा हमें मिला, वह त्रिशूल की स्थापना नीचे गर्भगृह के अंदर में आता है। इस बंधे हुए नारियल में से मनोकामना पूर्ण होने के बाद कोई भी एक नारियल खोल कर माँ भगवती के ऊपर में चढ़ाया जाता है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी NH-28 स्थित सिद्धपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, जहां सालों भर भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। यह मंदिर देश का दूसरा व बिहार का एकमात्र माँ छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है। माँ के दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। नवरात्र के दिनों में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। देश के कोने कोने से यहाँ साधक तंत्र सिद्धि व साधना के लिए आते हैं। प्रत्येक अमावस्या को होने वाले निशा पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहाँ चुनरी में नारियल बांधकर मंदिर में मन्नते मांगते हैं। वह मन्नते पूरी होने पर माता के दरबार में उनका धन्यवाद करने जरूर आते हैं। मंदिर का भूमि पूजन 2000 ईस्वी में हुआ था, वही प्राण प्रतिष्ठा 2003 में हुई थी। इसमें रजरप्पा के पूजित त्रिशूल स्थापित की गई थी। मंदिर पूरी तरह तंत्र विज्ञान पद्धति पर बना हुआ है। मंदिर का गुंबज 9 ग्रह व 8 सीढ़ियाँ 5 तत्व व 3 गुणों के प्रतीक है। माँ छिन्नमस्तिका सृष्टि के केंद्र से जुड़ी हुई है। मैं इस मंदिर निर्माण के पहले रजरप्पा में रहता था और रजरप्पा से सन 2000 में यहाँ पर आया और माँ छिन्नमस्तिका का माँ स्थापना यहाँ पर 11 जून सन 2000 को भूमि पूजन के रूप में किया गया। ये छिन्नमस्तिका देवी 10 महाविद्या में आती हैं और सृष्टि प्रारंभिक बिंदु से इनका संबंध बताया गया है। छिन्नमस्तिका माँ के द्वारा ही ये सृष्टि निर्माण की मुख्य भूमिका मानी गई है, गुरुजनों के द्वारा, अपने ज्ञानियों महान पुरुषों के द्वारा जो हमको सुनने को मिला है। ये मंदिर कांटी में अवस्थित है। यहाँ 10 महाविद्या एवं माता भगवती की 108 स्वरूप निराकार रूप में अवस्थित है। यह मंदिर तंत्र विज्ञान पद्धति पर निर्मित है। गुरु परंपरा के अंतर्गत जो त्रिशूल की प्रतिष्ठा है और जो अपने गुरु के द्वारा हमें मिला, वह त्रिशूल की स्थापना नीचे गर्भगृह के अंदर में आता है। यह अपने आप में एक सिद्ध स्थल, चमत्कारी और मनोकामना को पूर्ण करने वाली भगवती तो खुद है ही हैं। इस स्थान पर भी इतना प्रभाव है माता रानी का, कोई भी आने वाला शख्स अपने दुखों से छुटकारा पाता है, मन की कलेशों से मुक्ति पाता है और जिस तरह की मनोभावना रखता है, मनोकामना रखता है, उसका हमेशा पूर्ति होता रहता है। यही कारण है कि आप सैकड़ों नहीं हजारों नारियल बंधा हुआ देख रहे हैं। ये किसी न किसी श्रद्धालु के द्वारा अपने मन में कुछ रख कर मन्नत के रूप में यहाँ पर ये नारियल बांधा जाता है। सैकड़ों नारियल प्रतिदिन बंधता है तो सैकड़ों नारियल यहाँ से खुलता है। नारियल खुलने के मतलब है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उनकी इच्छा पूर्ण हुई है
और बांधने का मतलब है कि श्रद्धालु अपने मन में रख कर कुछ इच्छा रख कर वो अपना बांधता है। इस बांधे हुए नारियल में से मनोकामना पूर्ण होने के बाद कोई भी एक नारियल खोल कर माँ भगवती के ऊपर में चढ़ाया जाता है, विधिवत पूजा की जाती है, पंडितों के द्वारा कराया जाता है और इस पर से उतारा हुआ जो नारियल है, जो माँ पर चढ़ाया गया है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो प्रत्येक अमावस्या को निशा पूजा के रूप में हमन के कुंड में हमन उसके द्वारा कराया जाता है। तो यह मंदिर आज नॉर्थ बिहार में अपने आप में अकेला मंदिर है। माँ छिन्नमस्तक मंदिर स्थान के रूप में ये भारत के अंदर में दूसरा है हमारी जानकारी में, और बिहार का ये पहला मंदिर है। इसी तरह का एक मंदिर गया में है, बेलागंज में स्टेशन के पास, वह भी मेरे द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहाँ भी पूजा आराधना शुरू है। और इस जगह पर कोई भी आने वाला व्यक्ति से किसी भी प्रकार का अनुदान रूप में मांगा नहीं जाता है, कुछ कहा नहीं जाता है। यह मंदिर अपने आप में इस रूप में भी एक अलग ढंग का है कि यहाँ कोई भी शुरू से आज तक एक भी दान पेटी नहीं है। यहाँ कोई भी आने वाला व्यक्ति जो अपना फूल प्रसाद चढ़ाता है, जिस तरह से माता को समर्पित करता है, उसी तरह से उसे वापस लौटा दिया जाता है। उसमें से किसी भी प्रकार से कोई एक भी लड्डू पेड़ा कोई भी जो चढ़ाता हो श्रद्धालु के द्वारा जो माँ को समर्पित किया जाता है, यहाँ के पुजारी पंडितों के द्वारा नहीं निकाला जाता है।